मेरा नाम विक्रम सिंह है। हम जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से आए हैं इस एयरक्राफ्ट को इंस्टॉल करने के लिए। ये अचानक नहीं आया है, इसका प्रपोजल दिया गया था एक साल पहले। यहाँ के लोगों ने एडवर्टाइजमेंट डाला था, एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें इन्होंने दिया था। तो अभी ये डिले होते होते अभी पहुँचा है। इसको सिर्फ एक डिस्प्ले पर्पज़ के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, इसका कोई और ज़्यादा एम नहीं है। और यहाँ के लोगों को थोड़ा इनक्रेज करने के लिए एयरफोर्स के थ्रू नहीं, ऐसा अभी तक कोई एयरफोर्स का या डिफेंस का कोई प्लान नहीं है। ये सिर्फ स्कूल के लिए एक डिस्प्ले के लिए आया, बच्चों को दिखाने और यहाँ के लोकल आदमी एयरफोर्स की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ाएंगे। इसे जी मैं चंद्रशेखर, हम लोग एयरफोर्स की टीम आए हैं यहाँ पे जहाज़ लगाने आपके खजारीपट ग्राम पंचायत में। और ये एक सरस्वती शिशु मंदिर है, इसमें लगा रहे हैं जहाज़। हम लोग MiG-23 जहाज़ लेके आए हैं और ये MiG-27 का ट्रेनर वर्जन है जो ट्रेनिंग के लिए काम आता था। हमें यहाँ काफ़ी अच्छा लगा, आपके ग्रामवासियों काफ़ी सपोर्ट रहा हमें। हमने देखा कि अचानक एक जेट विमान इधर आगे खड़ा हो गया, लोग आश्चर्य हो गए हैं। हाँ, क्या है, कैसे आया? लोग आश्चर्यजनक हैं यहाँ पे जहाज़ देखकर। और ये यहाँ के लिए अलॉट हुआ है जहाज़, काफ़ी दिन से अलॉटेड था, काफ़ी डिले चल रहा था। तो कितने दिन? हम लोग 10-12 दिन लेंगे करीब इसे लगाने में। इंस्टॉल हो जाएगा 10-12 दिन में, रेडी हो जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग नहीं, ये लोगों को इनक्रेजमेंट के लिए है एक्चुअली में। जैसे अग्निपथ योजना आई है उसमें लोग ज़्यादा इंक्रेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराएँ। ऐसा ये एयरक्राफ्ट काफ़ी एक्टिव रोल में रहा है अपने टाइम पर, कारगिल के टाइम पर इसने एक्टिव पार्टिसिपेट किया है।